इस वीडियो में हम 100 से कम 100 के पास वाली संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। तो हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे 92 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो हम इसका बेस जो है वो 100 लेंगे। तो बेस 100 लिया जाएगा। अब इस ये देखेंगे कि हम 100 से 92 कितना कम है, तो 100 से 92 8 कम है। तो अब इस 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। तो अब हम 64 को यहाँ नीचे लिख लेंगे। तो अब फिर इस 8 का डबल करेंगे, तो 8 का डबल होता है 16। और अब इस 16 को इस 100 में घटाएंगे, तो 16 घटाएं 100 में तो आता है 84। तो यह 64 64 ये आ चुका है 92 का स्क्वायर। करते हैं तो अब ले रहे हैं 85। तो 85 का स्क्वायर लेंगे, तो बेस इसका 100 लेंगे, तो 8500 से कितना कम है, तो 8500 से 15 कम है। तो अब इस 15 का स्क्वायर करेंगे, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। तो इसका लास्ट दो डिजिट ही लेना है, तो लास्ट दो डिजिट लेंगे तो 25 लिख देंगे, और बचा ये 2 को यहाँ रहने देंगे शेष। अब इस 15 का डबल करेंगे, तो 15 का डबल होता है 30। अब इस 30 को 100 में घटाएंगे, तो इसका हो गया 70। तो अब इस 70 में इस 2 को जोड़ देंगे, तो 72 25 ये आ चुका है आंसर। तो अब एक और संख्या लेकर ट्राई करते हैं। तो एक और संख्या लेते हैं 75 का स्क्वायर। तो 75 में बेस 100 लेंगे, तो 100 से कितना कम है, 75 तो 25। तो अब 25 का स्क्वायर करेंगे, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। तो लास्ट टू डिजिट ही लेना है, तो 25 लेंगे और शेष बचेगा 6। तो 6 रहने देंगे। फिर अब इस 25 का डबल करेंगे, तो 25 का डबल होता है 50। अब इस 50 को 100 में घटाएंगे, तो 50 घटाएंगे तो बचेगा 50। तो अब इस 50 में इस 6 को जोड़ देंगे जो शेष बचा है, तो 56 25 ये आ चुका है आंसर।